बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से आपके साथ हाजिर हूं, और आपके साथ जो मैं सॉल्यूशन शो कर रहा हूं, आप सॉल्यूशन देख रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.2 का है। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की ही पार्ट की वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर उसको कवर करने की कोशिश की। तो आखिरी के पार्ट हैं 8, 9 और 10 पार्ट हैं। 8 पार्ट आपको दे रहा है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, जिस तरह क्वेश्चन दे रहा है उस तरह आप सॉल्व करोगे। देखो सी आपको दिया हुआ है, आप इसको ट्रांसपोज करके कॉपी करोगे स्टेप को शॉर्ट करने के लिए। ट्रांसपोज में आपको रॉ को चेंज करना होता है किसमें, कॉलम के अंदर, मतलब आपको नंबर इस अकॉर्डिंग दिए हुए रॉ में आपको इस कॉलम अकॉर्डिंग में ले जाने हैं। देखो यहाँ से देखूंगा -4, -5 और 4 रॉ में था, कॉलम में ले आऊँगा। आगे भी करूँगा 6, -3 फिर 2 और 7, ये मेरे पास सी ट्रांसपोज आ गया। फिर इसी तरह बी ट्रांसपोज लिखूंगा, बी ट्रांसपोज में आपके पास देखो ये रॉ है, कॉलम में ले आऊँगा 3, 4, -1 फिर 2, -3 और 5, मैंने वैल्यूज लिख दी। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, रूल को चेक करना है तो सही है, नहीं तो बगैर रूल चेक करे भी कर सकते हैं, रूल चेक कर लेते हैं फिर भी। तो 2 रॉ हैं 3 कॉलम है, फिर आपके पास कितनी, 3 रॉ हैं 2 कॉलम है, बी मैट्रिक्स में सेम है इसलिए पॉसिबल है। करने का तरीका वही, 1 कॉलम 2 कॉलम 2, इसलिए 2 दफ़ा इसको कॉपी करना है, -5, 4, 6, -3, 2, 7, 1 दफ़ा कॉपी किया, फिर गैप देना है आपने, फिर सेकेंड टाइम आपने इसको कॉपी करना है 6, -3, 2, 7, हर किसी साइन के पास क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी। अब हर किसी के पास क्या लगा लोगे, मल्टीप्लाई की साइन लगा लोगे। फिर उसके बाद हर नंबर से पहले जहाँ साइन नहीं है वहाँ प्लस लगाओगे, फर्स्ट को छोड़कर, क्लियर। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया और प्लस के साइन इंसर्ट करे, फिर यहाँ से आपने रॉ के नंबर, कॉलम के नंबर को रॉ में इंसर्ट करना है, 3, 4, -1, 2, -3 और 5, जो नंबर आपको ऊपर आ रहा है वही नंबर आपने नीचे कॉपी कर देना है, सही। तो ये आपका नंबर्स को कॉपी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 5, 3 जो 15, 6, 4 जो 24, +-2, 1 जो 2, 4, 3 जो 12। अच्छा इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन अपने सामने रखा हुआ है, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने अब डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। इस पार्ट के लिए आपके पास जो आंसर आएगा वो 11, -7 फिर -38 फिर 52, सही है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने ये किया, सही है। तो आपने सिर्फ कैलकुलेटर में सारे नंबर लिखने, आपके पास आंसर है, मेन मकसद जो था समझाने का वो आपको सॉल्यूशन पार्ट मैंने क्लियर कर दिया, सही। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको देखो सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दिया हुआ है पार्ट नंबर 9 में। इसमें आपके पास सी ट्रांसपोज आपने ये निकाल लिया है, इसलिए आप यहीं से कॉपी कर, जो चीज़ आपने एक दफ़ा निकाल ली है वापस निकालने से बेहतर है आप उसको कॉपी कर लो। आपको निकालना वापस है तो आप निकाल लो, प्रैक्टिस हो जाएगी, सही। ए ट्रांसपोज करेंगे मैट्रिक्स ए, ये रहा मेरे पास क्वेश्चन में, मैट्रिक्स ए को कॉपी करूंगा रॉ से कॉलम में कन्वर्ट करते हुए, सही है। देखो 3, 4 और 1 यू था, मैंने कॉलम में ले लिया, फिर आपके पास है 4, 5, 7 हो गया, फिर -2, -3 और 8 हो गया, सही है। ये नंबर्स उतर गए, मल्टीप्लीकेशन करनी है, रूल आपके पास सामने है आपके, ये आपके पास एक कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरी, 3 कॉलम है, इसलिए 3 दफ़ा आपने सी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स उतारना है, -5, 4, फिर 6, -3, फिर 2, 7, 1 दफ़ा कॉपी किया, फिर -5, 4, 6, -3, 2, 7 दूसरी दफ़ा कॉपी किया, थर्ड टाइम भी कॉपी करेंगे, -5, 4, 6, -3, 2, 7, 3 दफ़ा कॉपी हो गया। अब हर नंबर के बाद मल्टीप्लाई के साइन लगा देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हर किसी के बाद आनी है, तो हर किसी के पास आखिर तक आपने मल्टीप्लाई को लिखते जाना है, हो गया। हर नंबर से पहले प्लस की साइन, देखो यहाँ पर प्लस की साइन यहाँ पर फर्स्ट में तो लिखते ही नहीं है प्लस, माइनस पहले से मौजूद है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर प्लस और फिर आगे। अब यहाँ पर कॉलम से नंबर इंसर्ट होंगे रॉ में, देखो 3, फिर -4, 1 फिर आपके पास है 4, 5, 7 फिर आपके पास है -2, -3 और 8, जो नंबर आपके पास ऊपर आ रहा है वही नंबर आपने नीचे कॉपी कर देना। देखो गैप ज़्यादा नहीं रखोगे फिर मुश्किल होगी, सही है। 5, 7, -2, -3 और 8 सबको मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर में, आपके पास आंसर आएगा -41, फिर 31, फिर -4, 50,
-24 and 57, मैंने पहले से सॉल्यूशन करके रखा हुआ है तो मैं वहीं से आंसर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, सही है। तो पार्ट नंबर हमारा 9 हो गया। पार्ट नंबर 10 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 10 हमें दिया हुआ है सी ए और फिर बी। अब सी ए की बात करूँ ना तो सी का ऑर्डर जो है वो मेरे पास 3/2 है। ये रफ़ा करने की ज़रूरत है या यहीं पे कर सकते हो आप। ए का ऑर्डर 3/3 है। अगर आप इन दोनों को देखो तो जब सी ए को इम्पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन में आ गया है तो इसका मतलब है कि आप आगे इसको बी से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो इम्पॉसिबल इस वजह से क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यहाँ तक आके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा बड़ा सवाल था, ये कवर हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कवर करेंगे। थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है और प्रैक्टिस वाली एक्सरसाइज है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सिर्फ देख के आपको कभी भी समझ नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप प्रैक्टिस इसको करो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपसे अलविदा लेता हूँ।